फॉर 19th of July 2021 एंड अंशुल जैन। पहला स्टॉक जो आपकी वॉलिस्ट में होना चाहिए वो है अडानी एंटरप्राइजेस का। अडानी एंटरप्राइजेस में शॉर्ट टर्म में यहाँ पे बीएस को कोई फॉलो थ्रू मूव नहीं मिला इस बड़े सेल ऑफ के बाद, लगभग 8 से 9 दिन साइडवेज कंसोलिडेशन में गया। रेंज काफी कंप्रेस होती हुई दिख रही है। ऑन दी अपसाइड 1420 के ऊपर अगर ब्रेकआउट मिलता है तो लॉन्ग इनिशिएट करना चाहिए। इमीडिएट टारगेट ऑन द अपसाइड 1499 का रहेगा। अगला स्टॉक जो आपकी वॉलिस्ट में होना चाहिए वो है जेएसडब्ल्यू स्टील का। जेएसडब्ल्यू स्टील में स्विंग हाई के ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेशन चल रहा है और अब रेंज काफी कंप्रेस हो चुकी है। 707 के ऊपर फॉलो थ्रू मूव मिलता है तो लॉन्ग्स इनिशिएट कर सकते हैं फॉर टारगेट ऑफ 731.90। अगला स्टॉक जो आपकी वॉलिस्ट पे होना चाहिए वो है सेल का। सेल में यहाँ पे एक साइडवेज मोमेंटम के बाद ट्रिपल बॉटम बनाने के बाद अपसाइड फॉलो थ्रू मूव मिल रहा है। 128 के ऊपर अगर निकलता है तो स्टॉक इमीडिएटली लॉन्ग्स इनिशिएट कर सकते हैं 135.70 का टारगेट लेते हुए। लास्ट एंड फाइनल स्टॉक जो आपकी वॉलिस्ट में होना चाहिए वो है टाटा पावर का। टाटा पावर में यहाँ पे साइडवेज कंसोलिडेशन के अंदर रेंज काफी कंप्रेस हो चुकी है और ब्रेकआउट पॉइंट मल्टीपल टाइम्स रीटेस्ट हो चुका है। तो अब यहाँ से 125.50 के ऊपर फॉलो थ्रू मूव मिलता है तो लॉन्ग्स इनिशिएट कर सकते हैं, टारगेट ऑन दी अपसाइड 131 का रहेगा। डेली ऐसे कंटेंट के लिए हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। दिस इज अंशुल जैन साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू।